से। तो चलो आप लोग फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में। बायो मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है, अगर हम लोग ये देखें कि किस किस क्लास के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो वैसे तो देखो साइंस स्ट्रीम के सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट ही नहीं मैं खुद एक लर्नर भी हूँ, तो सबके लिए ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो ये हमारी ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक पार्ट है। बीएससी के लिए अगर बात की जाए तो बीएससी थर्ड ईयर के अंदर ये हमारा चैप्टर सिलेबस में आता है। अगर बात की जाए बीएससी बीएड वाली क्लास के लिए, तो बीएससी बीएड के लिए फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है। अब बायो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? देखो बायो मतलब क्या, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स अपने पास में काम में आते हैं। और बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब कौन, हम लोग, हम सब बायोलॉजिकल सिस्टम में तो आते हैं, इंसान है, एनिमल्स, प्लांट, सब कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम में आता है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं उनके बारे में अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है। इसका मतलब सीधा सा ये है, हम लोग जो खाते हैं, हम क्या खाते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम लोग प्रोटीन खाते हैं, फाइबर्स खाते हैं, विटामिन खाते हैं, इन सबके लिए अपने को केमिकली डिस्कशन करना है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले जिस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है वो अपने आप से अपने आप को पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसका इंट्रोडक्शन अपने को देने की जरूरत ही नहीं है। कार्बो अलग कर लो वर्ड, और हाइड्रेट जो वर्ड है उसको भी अलग कर लो। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, अपना वाटर। और कार्बो का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके इर्द गिर्द घूमती है, कार्बन के। तो कार्बन वाटर यानी कार्बन के हाइड्रेट जो होंगे वही आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बन के हाइड्रेट को अपन कैसे दिखाएंगे, ये कार्बन और ये इसका हाइड्रेट यानी कि H2O, मान लो सी के एक्स मॉलिक्यूल है और H2O के अपने पास में वाई मॉलिक्यूल है। तो कार्बोहाइड्रेट जो रहेंगे उनकी अगर अपन ओल्ड डेफिनेशन की बात करें कि स्टार्टिंग में इसके नाम के आधार पर इसको अपन जिस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो ये है कि कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि CH2O का वाई जो मॉलिक्यूल होंगे, जो भी फॉर्मूला, जो भी मॉलिक्यूल इस फॉर्मूले के अंदर फिट होता होगा वो सब के सब आपके कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर जाएंगे। अब देखो ये तो ओल्ड डेफिनेशन थी, ओल्ड डेफिनेशन थी इसका मतलब एक्सेप्शन भी थे। तो अगर अपन यहाँ पर एक्सेप्शन की बात करें कि इस कैटेगरी में हमारे पास में क्या क्या एक्सेप्शन आते हैं, तो एक्सेप्शन में क्या होगा, देखो ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स अपने को देखने को मिलेंगे जो कि इस फॉर्मूले को अलाउ करते होंगे, यानी इस फॉर्मूले में फिट होंगे, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट होंगे। पर क्या होता है ना, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो कि इस फॉर्मूले के अंदर फिट नहीं होते हैं पर फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट दे देते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट की सारी प्रॉपर्टीज को शो कर देते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कि फॉर्मूले में फिट हो जाएंगे लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई भी टेस्ट नहीं देंगे, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट रखते होंगे। जैसे कि अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल अपन यहाँ पर एसिटिक एसिड का लेंगे। एसिटिक एसिड क्या होता है आपका, CH3COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अपना एक। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, C2 है, H अपने पास में 4 है और O भी अपने पास में 2 है, C2H4O2। ये अपना यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो बन करके आता है। अब इस फॉर्मूले के लिए देखो, इस फॉर्मूले के अंदर अपना ये फिट हो रहा है, एकदम से फिट हो रहा है, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था, पर ये तो एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये तो साफ नजर आ रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम लोगों को एकदम क्लियरली नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा, फिर भी फिट हो रहा है लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सेकेंड अगर अपन बात करें ऐसा एग्जाम्पल जो कि फॉर्मूले में फिट होता ही नहीं है पर फिर भी कार्बोहाइड्रेट है, तो उस कैटेगरी में अपन कौन सा एग्जाम्पल डालेंगे, यहाँ पर अपन डालेंगे डी ऑक्सी राइबोज शुगर का अगर अपन फॉर्मूला लिखें तो वो फॉर्मूला होता है आपका C5H10O4। देखो फॉर्मूला जो है उसमें कार्बन से जस्ट डबल हाइड्रोजन फुलफिल हो रहा है। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, जितना कार्बन का नंबर है उतना ही होना चाहिए, लेकिन जितना कार्बन का नंबर है उससे एक कम ऑक्सीजन अपने को देखने को मिल रही है। इट मीन्स ये फॉर्मूला जो है वो कार्बोहाइड्रेट को शो नहीं करता है पर डी ऑक्सी राइबो शुगर जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो देखो
अब क्या करना है अपने को, अपने ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर चेक कर ही लिया, इसके अलावा अगर अपने को डायरेक्टली इन फॉर्मूला को अप्लाई करके देखना है तो जो एल्केन वाले फॉर्मूला अपन ने पढ़े ना उसी के अंदर अपन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो नॉर्मल एल्केन का फॉर्मूला अपने पास में क्या आता है, CN H2N प्लस 2, ये अपना एल्केन के फॉर्मूले में आता है। अब देखो कार्बन को अपन यूजुअली इस फॉर्मूले में डिनोट करते हैं, अब अगर आप कार्बोहाइड्रेट को भी इसी फॉर्मूले के अंदर डिनोट करना चाहो तो कार्बोहाइड्रेट्स को इस फॉर्मूले में ऐसे डिनोट किया जा सकता है कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं आपके CN H2N और एक इनमें इंसर्ट हो जाता है आपका ON, यानी जितना नंबर ऑफ कार्बन होता है उतना ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसका जस्ट डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो अपन इसको नॉर्मल कार्बन के फॉर्मेट में जो अपन हाइड्रोकार्बन को शो करते हैं उस फॉर्मेट में तो इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, और अगर आप कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्मेट में शो करना चाहो तो इस तरीके से किया जा सकता है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, कॉमन लेकर के यहाँ कॉमन लेने का ट्राई करो, यहाँ कॉमन लेने का ट्राई करो, देखो दो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा अपने पास में और उसके बाद में ये इस फॉर्मूले के अंदर फिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ कॉमन नहीं आ सकता इसीलिए फॉर्मूले के अंदर अपना फिट नहीं होगा। तो ये अपना कार्बोहाइड्रेट का ओल्ड डेफिनेशन के बेस पे जनरल सा अपने पास में इंट्रोडक्शन आ जाता है। अब अगर बात की जाए कि ऐसा क्या अपन डेफिनेशन लेकर के आए कि इन एक्सेप्शन को अपने को ना पढ़ना पड़े, तो कहाँ चलो इसकी न्यू डेफिनेशन के पास चलो। तो इसकी न्यू डेफिनेशन जो है वो क्या बोलती है वो अपन चेक करेंगे, उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ओल्ड डेफिनेशन को लेकर के कोई डाउट अपने मन में ना बचे। न्यू डेफिनेशन अगर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बात की जाए तो न्यू डेफिनेशन क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड है जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स आर नॉन एज कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो ये कैसे, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या हो गया ओएच ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब क्या हो गया ओएच ग्रुप, और कार्बोनिल का मतलब दो चीजें हैं, या तो एल्डिहाइड प्रेजेंट हो अपने पास में या फिर दूसरा अपने पास में कीटोन प्रेजेंट हो। तो अगर अपने पास में ऐसा कोई भी कंपाउंड है जिसके पास ढेर सारे ओएच ग्रुप है और साथ में फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मेट में उसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है तो उनको अपन बोलेंगे कि ये जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है वो आपके एक्सेप्शन को दूर कर देता है, क्योंकि जो डीऑक्सीराइबोज जिसको हमने बोला था कि वो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर बेसिकली अपना ढेर सारे पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप भी आते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड भी आता है, इसलिए वहां पर अपना एक्सेप्शन दूर हो जाता है। फिर देखो क्या होता है कि क्या ऐसे ही कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होंगे वो ही कार्बोहाइड्रेट है, नहीं, एक और तरीका है वो क्या, अगर आपको किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हो यानी उसका अगर आप जलापटन करवाते हो पानी को उसके ऊपर डालते हो तो अगर कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर आपको फिर से यही पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिल जाते हैं, यानी मैनी ओएच ग्रुप प्लस आपको कार्बोनिल कंपाउंड चाहे वो कीटोन हो चाहे वो एल्डिहाइड हो उनमें से अगर कुछ भी मिल जाता है, ये दोनों के दोनों एक ही कंपाउंड में अगर अपने को देखने को मिल जाते हैं तो उनको भी अपन इसी कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। तो एक जनरल डेफिनेशन क्या बन करके आएगी, वो कंपाउंड जो कि खुद पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हो या जिनके हाइड्रोलाइसिस पर अपने को पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलते हो उन कंपाउंड्स को अपन कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। तो ये अपने पास में नई डेफिनेशन आ गई जो विदाउट एक्सेप्शन सब पे लागू हो सकती है। अब क्या बात आई, आपने थ्योरेटिकली पता लगा लिया, सबसे पहले फॉर्मूले को देख लोगे, फॉर्मूले के बाद में आप इस तरीके से कंपाउंड्स को सर्च करके देख लोगे कि उसकी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी चीजें हमको देखने को मिल रही है क्या। उसके अलावा थ्योरेटिकली के अलावा अपने को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी तो देना पड़ता है ना, यानी अब अपने को एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाना है कि जो कंपाउंड हमारे पास में गिवन है वो एक कार्बोहाइड्रेट ही है क्या। तो एक्सपेरिमेंटली कार्बोहाइड्रेट के लिए जो टेस्ट लगाया जाता है वो होता है अपना मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट के अंदर अपन लोग काम में लेते हैं मॉलिस रिएजेंट को। तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास में यही आ गई कि ये जो मॉलिस रिएजेंट है वो क्या होते हैं। तो मॉलिस रिएजेंट जो है उनको जान लो, ये आपके 10% सॉल्यूशन होता है, 10% एल्कोहलिक सॉल्यूशन अपने पास में ये होते हैं, वो भी किसके, 10% एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल। अल्फा नेफ्थॉल का 10% एल्कोहलिक सॉल्यूशन जो होता है वो मॉलिश रिएजेंट होता है। अब मॉलिश रिएजेंट से मॉलिश टेस्ट कैसे लगाएंगे, तो मॉलिश टेस्ट को लगाने का क्या तरीका होता है कि जो भी आपको सब्सटेंस गिवन है, अननोन सब्सटेंस आपको गिवन है, उसका लो एक्वस सॉल्यूशन, उसका एक्वस सॉल्यूशन लो, उसके अंदर आप 1 to 2 ml इस
एक दो अंदर जो है स्मॉल रिएजेंट को ऐड करो। आप जैसे इसको ऐड करोगे उसके अंदर उसको शेक करो, उसको अच्छे से हिलाओ। हिलाने के बाद में आप उसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 सांद्र H2SO4 जो अपना एसिड होता है उसको ऐड करो। जैसे जैसे आप उसको ऐड करते जाओगे ना उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हैवी होने के कारण नीचे बैठता जाएगा। यानी क्या होगा, मान लो ये आपकी टेस्ट ट्यूब है तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे जैसे आप H2SO4 को ऐड करोगे जो दो लिक्विड है उन दोनों लिक्विड के बीच में आपको एक इजीली क्लियरली एक रिंग नजर आएगी। यानी दोनों के दोनों जो लिक्विड है वो आपको अलग से नजर आएंगे, जो हैवी होगा वो नीचे बैठ जाएगा और उनके बीच में एक रेड वॉयलेट रिंग अपने पास में बन करके आएगी। तो ये जो रेड वॉयलेट रिंग का बनना है जो कि दो अलग अलग लिक्विड की कनेक्टिंग सरफेस कनेक्टिंग पॉइंट के ऊपर अपने को नजर आएगी, इस रिंग का बनना प्रूफ कर देता है कि वो जो अननोन कंपाउंड था वो एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो एक्सपेरिमेंटली अपन इस तरीके से पता कर सकते हैं और डेफिनेशन और ओल्ड डेफिनेशन नई और पुरानी अपन फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों से पता कर सकते हैं। अब क्या बचा कि ये मॉलिस रिएजेंट मैडम हम बनाएंगे कैसे। आपने तो इसका नाम तो बता दिया कि ये होता है लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, बहुत आसान है इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए क्या करो, आप काम में लो 10 ग्राम ऑफ मॉलिस रिएजेंट और उसको एड कर दो 90 ml ऑफ रेक्टिफाइड स्प्रिट के अंदर। रेक्टिफाइड स्प्रिट के अंदर 10 ग्राम मॉलिस रिएजेंट को ऐड कर दो। आपके पास में जो अल्फा नेफ्थोल है उसको ऐड कर दो। अल्फा नेफ्थोल का 10 ग्राम अगर आपने 90 ml रेक्टिफाइड जो स्प्रिट है उसके अंदर ऐड करा यानी कि मेथेनॉल में अगर ऐड करा तो मॉलिस रिएजेंट बन करके आ जाएगा। उसके बाद मॉलिस टेस्ट लगा लो, अगर रेड वॉयलेट रिंग बन करके आती है इट मीन्स वो एक कार्बोहाइड्रेट था। तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन आज अपन ने इसका देखा है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा है कि कैसे पता लगाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके ये कंपाउंड्स होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ये डिस्कस करेंगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा और उसके बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन और ढेर सारी चीजें अपन पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करके रखिएगा क्योंकि ये तो बेसिक है ना एकदम से। तो बच्चों पढ़ते रहिए, कीप स्टडी।